आज सुबह से ही देश भर में चुनावी जोश छाया हुआ है। राजनीतिक दंगल के बीच वोटिंग की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। सुबह 7 बजे से लेकर अब तक देश में 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार दिन की पहली तिमाही में सुबह 9 बजे तक 11.40% वोटिंग का आंकड़ा दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में सुबह अधिक उत्साह देखा गया, जहाँ 15.85% तक की वोटिंग हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम केवल 6.64% वोटिंग का आंक दर्ज किया गया। वोटिंग के दौरान बिहार में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद क्षेत्र में भाजपा के कैंडिडेट और TMC समर्थक के बीच झड़प भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में स्थित निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डाला। उसके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा और भगवा जैकेट पहने हुए दिखे। वहीं अमित शाह भी मौजूद रहे, सफ़ेद कुर्ता पाजामे के साथ नजर आए। अपनी कार से उतरते ही उन्होंने लोगों का स्वागत किया और बूथ तक पहुंचकर वोट डाला। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चों के हाथ पर ऑटोग्राफ दिया और लोगों के साथ तस्वीरें क्लिक करवाई। मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री ने लोगों से बड़ी संख्या में वोटिंग की अपील की।